एक माँ की दर्द भरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ जो कि विधवा थी और उसका बेटा रहा करता था। उस लड़के का पिताजी का उसके शिशु उम्र में ही देहांत हो गया था, जिस वजह से वो और उसकी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसकी माँ एक आँख से अंधी थी, जिस वजह से उसके दोस्त उसको अंधी का लड़का, एक आँख वाली का लड़का बोल के बुलाते थे। यह सुन सुन कि वो अपनी माँ से ही नफरत करने लगता है। दोस्तों, इस जीवन में आप किसी से भी बैर करना, परंतु अपनी माँ से कभी बैर ना करना। यह है एक माँ बेटे की कहानी। वह लड़का गुस्से के आगोश में आके अपना घर, गांव और माँ को छोड़ के कहीं दूर चला जाता है। वह लड़का बहुत मेहनत करता है और उस शहर का सबसे बड़ा आदमी, सबसे अमीर बन जाता है। उसकी कामयाबी को देख उसके जीवन पर बहुत सारे न्यूज़पेपर में उसका इंटरव्यू छपता है और किसी तरीके से वो न्यूज़पेपर उसकी माँ को मिल जाता है। इस कहानी में आपको माँ का प्यार दिखेगा। दोस्तों, बोलते हैं ना, हमारा हमारी माँ के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है। हम चाहे अपने मुख पर गोबर लगा के भी चले जाएं, वो हमको पहचान ही लेती है। इस तरीके से हम भी अपनी माँ को पहचान ही लेते हैं। न्यूज़पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेके वो माँ किसी प्रकार पूछते पूछते हुए अपने बेटे के घर तक पहुँचती है और वह अपने बेटे को जोर जोर से चिल्ला के बुलाती है, बेटा 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 बेटा। इतने में उस घर के चौकीदार आके चिल्लाते हुए बोलते हैं, ए बुढ़िया, क्या है, क्यों चिल्ला रही है, मेरा बेटा रहता है यहाँ, वो माँ बोलती है। इतने में उसका बेटा अपनी माँ को देख पहचान लेता है और वह अपनी माँ को दिल से अपनाने को भागता है, पर फिर वह समाज के डर से रुक जाता है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि ये बुढ़िया मेरी माँ है तो मेरी कंपनी के शेयर गिर जाएंगे, समाज में बदनामी होगी। यह सब सोच के वह अपने पैर मोड़ के वापस घर के अंदर चला जाता है। इतने में उसके घर के चौकीदार उसकी माँ को धक्का मार के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। उसकी माँ चिल्लाती है, रोती है, पर उस दुखहारी माँ की आवाज़ उसके बेटे के कान तक तो पहुँचती है पर दिल तक नहीं जा पाती, क्योंकि बीच में समाज की दीवार आ जाती है। फिर वह बेटा काम के लिए अपने ऑफिस जाने को निकलता है। उसकी माँ उसका वही इंतज़ार कर रही होती है, अपने बेटे को प्यार से पुकारती है, पर वह सब कुछ अनसुना कर अपनी गाड़ी में बैठ निकल जाता है। आज ऑफिस में बैठ उसको अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसकी माँ लोगों के घर काम करती थी, लोगों के गंदे बर्तन मांजती थी, लोग उस पर गंदी नज़रें डालते थे, पर सब कुछ भुला के वो काम किया करती थी ताकि उसके बेटे का पेट भर सके। यह सब सोच वो तुरंत उठ खड़ा होता है और अपनी माँ को अपनाने को भागता है। वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए वहाँ जाता है जहाँ वो पहले रहा करते थे, पर वहाँ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें मौजूद होती हैं। वह वहाँ किसी से पूछता है कि यहाँ जो बस्तियाँ थी वह कहाँ गई, तो किसी के द्वारा उसको उन बस्तियों का पता चलता है। वहाँ पहुँच के उसको बहुत भीड़ मिलती है, पूछता है कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, तो किसी ने उसको बताया कि यहाँ जो बूढ़ी माता जी रहा करती थी उनका अभी अभी स्वर्गवास हो गया है। यह सुन उसके आँखों में आंसू आने लगते हैं। वह रोता हुआ अंदर जाता है और चिल्लाता है, माँ लौट आओ। पर दोस्तों बोलते हैं, न समय से ज़्यादा बलवान कोई नहीं है। रोते हुए उसकी नज़र उसकी माँ की बंद मुट्ठी में एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ती है। वह उस कागज़ को निकाल कर पढ़ना शुरू करता है और दोस्तों यकीन मानिए, उस कागज़ में कुछ ऐसा उसकी माँ ने उसके बेटे के लिए लिखा था जिसको पढ़ वह अपने आप पर अफसोस करने लगता है। उस कागज़ में लिखा था, बेटा मुझे खुशी है कि तू आज बहुत कामयाब इंसान हो चुका है, तेरे पास अब किसी भी तरह की कमी नहीं है और मुझे पता था कि तू मेरे पास आएगा, पर बेटा तूने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मेरे पिताजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा एकमात्र जीने का सहारा था, पर तू किसी भी तरह का अपने दिल में मलाल मत रखियो,
तेरी ये माँ तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू मुझे छोड़ के चला गया था। बस आज तो ये शरीर ने आत्मा छोड़ी है, पर मैंने भी भगवान से लड़ाई कर ली थी कि जिस दिन तुझे कामयाब न देख लूँ तब तक मुझे इस दुनिया से न उठाए। और देख, भगवान ने भी मेरी सुन ली, तुझे आज कामयाब देख लिया तो भगवान ने मुझे अपने पास बुला लिया। बेटा, तू किसी भी तरह का अफसोस मत रखना, और अगर तेरी माँ से कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तुझे तेरी ये बूढ़ी माँ की आत्मा भी दुआएं देगी। पर मैं जाते हुए अपने मन पर कोई बोझ लेके नहीं जाना चाहती। तुझे इस बात का बुरा लगता था ना कि तेरी माँ की एक आँख नहीं है, तेरी माँ एक आँख से अंधी है। पर बेटा, तेरी माँ बचपन से अंधी नहीं थी। एक बार बचपन में फुटबॉल खेलते हुए तेरी एक आँख पर बाल लग जाती है, तब तेरी इस माँ ने तुझे अपनी ये एक आँख दे दी जिससे आज तू ये पूरी दुनिया देख सकता है।